हे ब्यूटीफुल लेडीज, हाउ आर यू? मैं तो ठीक हूँ। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि की दुनिया। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आप लोग के साथ कृति सेगर का ना इंस्पायर्ड लुक शेयर कर रही हूँ। कह तो वो जैसा मेकअप की हैं, मैंने फ़ोटोज़ लगाया है थंबनेल में, आपने देखा होगा। तो वही लुक मैं आप लोग के साथ एकदम क्रिएट करूँगी। इसमें मैंने कुछ भी नहीं कुछ किया है, मतलब कहे तो कोई भी फिल्टर नहीं है हमारे इस वीडियो में, कुछ भी नहीं है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। स्टार्ट तो हो गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे ना बस एलोवेरा जेल लगाया है मॉइस्चराइज़ करने के लिए अपने फेस को। मॉइस्चराइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि मेरा ना एक तो स्किन पे कोई ज़्यादा मेकअप का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो एज अ प्राइमर एंड एज अ टोनर जो भी है, मैं ये इसको यूज़ कर ली हूँ। मैंने टोनर वगैरह कुछ नहीं यूज़ किया है, बस यही किया है, मैं फ़ेस वॉश करके आ गई थी। तो आज मैं वीडियो आपको दिखा रही हूँ एकदम नेचुरल। मैंने कैसे कैसे होता ना कि एडिटिंग करते हैं या जो भी है, कुछ नहीं मैं लगाऊंगी या कुछ भी नहीं उसमें एडिट करूंगी, आपको डायरेक्ट एकदम दिखेगा जैसे भी मैं करती हूँ। इधर से सामान उठाना सब मैं आप लोग को, कोई भी आज वीडियो में कट नहीं होगा, कोई भी हमारे वीडियो में आज एडिटिंग नहीं है। बस यही है कि वॉइस कवर मैंने डाला है, अदरवाइज कुछ नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मुझे कितना टाइम लगा है ये लुक क्रिएट करने में। एकदम प्रॉपर सिंपल वे में मैं आप लोग को बता दूंगी, तो ज़्यादा नहीं सोचते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे क्या लगाई थी, अभी शायद डेजलर का ना फाउंडेशन मैंने लगा लिया था यहाँ पे। तो वो जो फाउंडेशन है वो तो मॉइस्चराइज़र वाला फाउंडेशन है, वो तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम का पूरा एकदम काम कर जाता है मेरे फेस पे। लेकिन एक चीज़ है कि वो ग्लेज दे देता है, एक ग्लो भी हमारे चेहरे पर लेके आ जाता है मेकअप वाला। तो फिर मैं इसको एक मतलब बेस रेडी करने के लिए मैंने फाउंडेशन ही लगाया है, फिर मैं बाद में अभी देखती हूँ क्या लगाती हूँ। फाउंडेशन मैं लगा ली हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर ली हूँ सीसी क्रीम। एकदम हल्का सा मैं सीसी क्रीम लूँगी। सीसी क्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो एकदम ऑप्शनल भी नहीं है वो, कहे तो एकदम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब उसके बिना तो मेरा मेकअप अधूरा ही है। एंड देन मैं ये फेयर लवली का बीबी क्रीम यूज़ करूँगी। इसका मैंने बताया था कि इसका जो कॉम्प्लेक्शन है ना, कहे तो कलर जो है ना इसका, वो ना एकदम आपका कहे तो जैसे होता नहीं ना स्किन कलर में है, उस तरीके से आपका ये मिल जाएगा। इसमें बहुत ही प्रॉपर तरीके से ये इसका कलर है, बहुत ही अच्छा कलर है। इसमें आप सीसी क्रीम मिक्स करके लगाइएगा तो एकदम नेचुरल वाला आपका मेकअप लुक क्रिएट होगा। तो ज़्यादा नहीं बातें करते हैं, आपको और बताते हैं, बताती हूँ मैं। एक्चुअली पता है बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है यार मेकअप वीडियो बनाने में या कुछ भी करने में। ऐसे तो यूट्यूब पे वीडियो कोई भी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, मैं तो थक जाती हूँ। फिर भी मेरे पास कुछ मिल नहीं रहा था कि मैं क्या बनाऊँ अभी फ़िलहाल। मैंने 2-3 दिन सोचा था कि ब्रेक ले लूँगी यूट्यूब से, लेकिन नहीं लूँगी। मैं अगर ज़्यादा मेकअप वगैरह के बारे में नहीं बता रही हूँ ना उसमें, तो प्लीज़ ज़्यादा ये नहीं कि नहीं बता रही है ये क्या लगा रही है वो, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग जानते ही हैं मैं क्या प्रॉपर सिंपल यूज़ करती हूँ। तो मैंने किस ब्यूटी का कॉम्पैक्ट दिखाया था अभी आपको, तो वही मैं उसको यूज़ कर लूँगी। आप देख रहे हैं ना, थोड़ा भी मैं इधर उधर से सामान उठा रही हूँ, ऐसा किसी में नहीं दिख रहा था ना किसी वीडियो में। सारे में एडिटिंग की थी मैंने, इसमें मैंने कोई भी एडिट नहीं किया। सोचा एकदम सिंपल सा मैं जो नॉर्मल लाइफ में कहते नॉर्मल जो मैं मेकअप करती हूँ रेगुलर या मेकअप वीडियो शूट करती हूँ, वही मैं आप लोग को दिखाऊँ। तो बस देखिए, मैंने यहाँ पर लगा लिया है पाउडर। ये फेस पाउडर पता है बहुत अच्छा है। एक होता है ना कि बहुत सारा जैसे एक और भी फेस पाउडर आता है कि एकदम पाउडर लगाने पे एकदम पाउडरिंग सा पूरे चेहरे पे लगता है, एकदम लाइट लाइट टाइप का। तो ऐसा कुछ नहीं, एकदम नेचुरल वाला ये किस ब्यूटी का है। ये मुझे लगा था कि अरे यार ये क्या है, एकदम बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है। मैं बहुत इसके बारे में सुनती थी इंस्टाग्राम वगैरह पर, बहुत देखती थी किस ब्यूटी वगैरह का, हुडा ब्यूटी, तो किस ब्यूटी का मैंने सोचा कि चलो उसका रिव्यू मुझे अच्छा लगा तो मैंने उसको मंगवा लिया था। मीशो से मैंने उसको मंगवाया था, तो बहुत ही अच्छा पाउडर है। शायद हो सके तो मैं ज़्यादा उसको ही यूज़ करूँगी। फिर मैं यहाँ पे वही ग्लिमर स्टिक जो है हमारा आईब्रो पेंसिल, जो वन ऑफ माय फेवरेट ग्लिमर स्टिक है ये, वो मैं इसको यूज़ कर लूँगी अपने आईब्रो को फिल करने के लिए। नॉर्मल नेचुरल कलर ये देता है, इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा ही पसंद है। ऐसे ही मैंने सोचा कि चलो इंस्पायर्ड लुक बहुत लोगों को देखती हूँ ना कि इसे किसी भी हीरो हीरोइन या कुछ भी, तो मुझे कृतिका बहुत पसंद है एंड बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी कुछ हाल फिलहाल में वो छोटी सरदारनी में भी आई थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है उसका जो ड्रेसिंग सेंस होता है ना नॉर्मल लाइफ में भी, या वो जीन्स वगैरह कुछ भी पहनती हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है। उसका पर्सनालिटी मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर देखिए, यहाँ मैं एकदम नॉर्मल सा ही एकदम जो स्किन के साथ मेरा मैच कर जाए, मैं हल्का सा ना स्किन कलर डार्क स्किन कलर हो जाएगा वो मेरा आई साइडों का, उससे मैं कर लूँगी। क्योंकि उन्होंने ज़्यादा वो जो मैं थंबनेल में लगाई हूँ उसमें ज़्यादा उनका आई मेकअप है नहीं, वो ज़्यादा काजल वगैरह से की है, नॉर्मल तरीके से ही उनका नॉर्मल कलर का ही है।
आई शैडो लगा हुआ स्किन से रिलेटेड जो स्किन में मिसमैच कर जाए अच्छे से, वही वाला है। आप देख सकते हैं मैं टोटल आपको बताऊंगी, अभी दूसरे आँख में भी लगाऊंगी वो भी बताऊंगी। आप नॉर्मल तरीके से प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा गाइस, प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर कीजिए। एंड कोई है जो मेरे वीडियो को ना सब्सक्राइब करके ना अनसब्सक्राइब कर दे रहा है, ये बहुत गलत बात है। सॉरी मुझे यार बोलना नहीं चाहिए लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है, क्या बोलूँ मैं, छोड़ो नहीं बताऊँगी अभी कुछ। कोई है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है ये। एंड फिर ये देखिए, फिर मैं यहाँ पे ना ग्लिटर वाला है वो सिमर वाला, उसमें ना दो, जो मेरा ये प्लेट है ना आई साइडो का, उसमें दो टाइप का ये है, एक नॉर्मल आपका आई साइडो है एंड ग्लिटर वाला है आपका सिमर ग्लिटर जो आता है ना वो वाला भी आपका है। तो वो मैं उसको ना डार्क वाला ना वो कॉर्नर पे ना, इनर कॉर्नर नहीं लास्ट कॉर्नर में मैं उसको एक ना ट्राइंगल का शेप दे दूँगी, कहे तो होता है ना पुट एंड आउट वाला, वो वाला मैं शेप दे दूँगी ताकि वो बहुत अच्छा लगे मेरे आईज़ पे। एंड फिर जो मेरा वाटर लाइन है ना नीचे आईज़ का, कहे तो नीचे जहाँ काजल लगाते हैं ना उसके नीचे लाइनिंग कर लेंगे बहुत अच्छे से ब्रश की हेल्प से, तो उसको बहुत अच्छे से मैं वहाँ पे लगा ली हूँ। देखिए नॉर्मल से मैं कुछ ज़्यादा नहीं लगाऊंगी उसमें, ये देख लीजिए मेरा आई का तो हो गया है, आई साइडो का मैंने आपने देखा होगा कि नहीं, मैंने यहाँ कुछ किया नहीं है, कहे तो आई मेकअप के ऊपर जो बेस वेस जो लगाते थे वैसा कुछ नहीं, नॉर्मल मैं एकदम पतला सा मैं आई लाइनर भी यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगी। आईलाइनर भी उन्होंने ड्रॉ किया है तो बहुत ही सिंपल तरीके से एंड बहुत ही पतला ड्रॉ किया है, देखती हूँ मेरा कैसा लगता है, क्योंकि अगर आईलाइनर ख़राब हुआ, अगर मोटे पतले के चक्कर में रहेंगे ना ख़राब हुआ तो पूरा मेकअप फिर से करना पड़ेगा मेरे साथ ऐसा ना। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं जितना वीडियो बनाती हूँ ना मेकअप का, ज़रूरी नहीं है कि एक टाइम में वो एकदम कन्फर्म हो जाता है, वो एडिट करती हूँ ना फिर उसमें क्या होता है कभी इधर लग गया कभी इधर लग गया, आईलाइनर जब अगर लग गया ना तो आपको तो प्रॉपर मेकअप ही बिगड़ जाता है, उसको बहुत टाइम लग जाता है, 15-20 मिनट लग जाता है मुझे उसको सेट करने में, मैं सच बोल रही हूँ, आप लोग को लग रहा होगा मजाक लग रहा है, 15-20 मिनट तो उसको मैं सेट करती हूँ, फिर जाके जैसे लुक मैं क्रिएट की हूँ जहाँ तक मैंने वीडियो शूट किया था उसके आगे करना है वहाँ तक मैं उसको ना पूरा अच्छे से ना शूट कर लेती हूँ, कहे तो जहाँ तक था उसको बहुत अच्छे से करके शूट, देन फिर मैं स्टार्ट करती हूँ आगे की प्रोसेस जो भी मैं करती हूँ वो मैं करती हूँ। बहुत टाइम लगता है, मैंने ऐसे ही आप लोग से मैं बात कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा मैं जो जो बोली उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। मैं यहाँ प्रॉपर इसका मेकअप नहीं बता रही हूँ कि मैं ऐसे कर रही हूँ वैसे कर रही हूँ, मैं नॉर्मल तरीके से कर रही हूँ, मैं आपको बस एक लुक क्रिएट करके दिखा रही हूँ। आप लोग जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी 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 कीजिए कि मैं लाइव आऊँ फिर आप लोग से ढेर सारी बातें करूँ, बहुत कुछ है यूट्यूब पर मैं करूँगी, मेहनत कर रही हूँ, भगवान की मर्जी, अब देखिए क्या होता है आगे तक ले जाते हैं कि नहीं, बस आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है, सो कीप सपोर्टिंग। फिर मैं यहाँ पे ब्लश लगाई हूँ, कहे तो एकदम हल्का सा वो आई साइड वाले प्लेट में नीचे ना 4 ब्लशेस दिए थे, ठीक है वो जो ब्लश है ना वो लिपस्टिक का भी मेरा काम कर जाता है, तो वो ब्लश मैं हल्का सा लेके लगा ली हूँ, हल्का सा ही एकदम नेचुरल कलर ही है हमारा, वो ज़्यादा नहीं पता चलेगा, उसको अच्छे से ब्लेंड कर ली हूँ मैं। और फिर उसके बाद एक बार ब्रश की हेल्प से ना पाउडर ब्रश से मैं उसको, उसमें पाउडर लगा था ब्रश में तो उससे मैं उसको सेट कर ले रही हूँ, जो भी हमारा वो है ना एक्स्ट्रा जो भी है मेकअप वगैरह वो थोड़ा सा होता है ना इधर उधर, या आई मेकअप वगैरह करते हैं तो वो नीचे आ जाता है आई के नीचे, तो वो वाला मैं अच्छे से उसको कर लिया। हाई लाइटिंग के लिए मैं ये वाला फिंगर अभी यूज़ की, ध्यान नहीं था ना एक्चुअली, मैं आपसे बात कर रही हूँ एंड वीडियो ऐसे ही, मैं ऐसे ही ना लुक क्रिएट करके देख रही थी, मैं सोची कि चलो करके देखती हूँ फिर मैं वीडियो बनाऊंगी, फिर बोला नहीं करके क्या देखना है, चलो डायरेक्ट वीडियो ही शूट कर लेती हूँ, दो दो बार कौन मेहनत करेगा। तो बस मैं यहाँ पे ये लुक क्रिएट करी, हाई लाइट कर ले रही हूँ थोड़ा सा, थोड़ा सा चेहरा अच्छा लगे, अब देख सकते हैं हाइलाइटिंग मैंने यहाँ पे कर ली है। देन नेक्स्ट क्या मैं यूज़ करूँगी, लिपस्टिक, ये लिपस्टिक मैं फिर लगा लूँगी, हल्का सा ही लिपस्टिक लगाऊँगी मैं, कहे तो मतलब उसको एकदम डार्क कह रहे हैं, डार्क वाला ये मेरा लिपस्टिक है, थोड़ा ब्राउनी शेड में आ जाता है ये, तो उसको मैं बहुत अच्छे से लगा लूँगी। फिर यहाँ पे मैं यूज़ की हूँ थोड़ा सा ना पिंक कलर का, मैंने लिया था सिमर वाला ग्लिटर आई साइडो जो था, तो उसको लेके ना मैं हल्का 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 वहाँ पे हाईलाइट कर लूँगी लिप को, ताकि वो ना थोड़ा सा ना ग्लिटरिंग सा वो थोड़ा सा ब्राइटनेस आ जाए एंड ब्राइट करे वो थोड़ा सा, इसलिए मैं वहाँ पे उसको लगा ली हूँ। अच्छा लिप का शेड बहुत अच्छा आ गया था, आपको अभी दिख जाएगा आगे, मैं दिखाऊँगी ज़रूर, ये देखिए
ज़्यादा लग भी नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा डार्क लिपस्टिक है। ये कलर बहुत अच्छा हल्का सा कलर, क्योंकि मैंने जो थंबनेल में पिक लगाया उसमें देखे होंगे आप लोग, उसमें ना नॉर्मली लिपस्टिक, ज़्यादा भी डार्क लिपस्टिक नहीं लगाई हैं वो। फिर देखिए मैं यहाँ पे काजल लगा ले रही हूँ, ये देखिए काजल गड़बड़ हुआ ना, मैं अभी बात ही कर रही थी काजल गड़बड़ हो गया। तो ये जो काजल गड़बड़ हुआ था ना, इसके बाद मुझे पता कितना टाइम लगा था, 5 से 7 मिनट लगा था उसको सेट करने में। इसको सेट किया, फिर वहाँ पे थोड़ा सा वो सब लगा के सीसी क्रीम वगैरह सेट करके फिर मैं आई हूँ आपके पास। फिर यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर की बिंदी लगाई है, क्योंकि उन्होंने ग्रीन कलर का बिंदी लगाया है। देन बस मेरा ये मेकअप हो गया है क्रिएट। तो गाइज अगर मेरा वीडियो आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। एंड प्लीज़ कीप सपोर्ट 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 सपोर्ट। और सबसे ज़रूरी बात, स्टे होम स्टे सेफ। बाय बाय।